यानी दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप और हम डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड सब्जेक्ट। हाँ, आपने सही सुना, सेकेंड सब्जेक्ट, अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च। पिछले 5 सालों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सेक्शन ए में, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं, शुरू किए जाए वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर जो कि 2020 में आया था, पहला सवाल था आकलन का संप्रत्यय, मतलब आकलन का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट क्या है, मतलब आकलन कहते किसे हैं। जब हम बात आकलन की करें तो आकलन से आप क्या समझते हैं, आकलन का मतलब क्या होता है। अच्छा, वैसे बोलचाल की भाषा में ना, भोजपुरी में कहते हैं आकन, आकना, आकना मतलब अंदाजा लगाना, पता करना, समझना। देखो, किसी के बारे में अंदाजा लगाना अथवा अंदाजे अंदाजे द्वारा निर्णय देने की प्रक्रिया को आकलन कहते हैं, ठीक है। विद्यार्थी के संबंध में कहा जाए तो विद्यार्थी से किसी विषय के बारे में सूचना एकत्रित कर निर्णय देने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे से बात किए, आपने कुछ सवाल पूछा, कुछ उसने जवाब दिया, आपने उसको देखा, उसके पढ़ने के तरीके को, उसका नोट्स पूछे। अब यहाँ से आप एक आकलन करेंगे, एक अंदाजा लगाएंगे कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसकी आगे क्या फ्यूचर है, कहाँ कमी है, कैसे उसको सुधार कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों बात आकलन की, ओके। इरविन जी ने कहा था आकलन छात्रों को व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है, या किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग छात्र के विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। मतलब दोस्तों, किसी भी विद्यार्थी के बारे में आप क्या करेंगे, कुछ सूचना प्राप्त करके उसके अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को, सीखने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करेंगे, समझेंगे, जो भी उसकी परेशानी उसको हल करेंगे। तो आसान से शब्दों में दोस्तों, अगर हम आकलन की बात करें तो किसी बच्चे के बारे में अंदाजा लगाना, आंकना, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना, उसके बारे में एक निर्णय बनाना, ठीक है। ये बात हो गई आकलन की। मूल्यांकन और आकलन में फर्क है। मूल्यांकन करने के लिए आपको तथ्य चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। मूल्यांकन में आप हर एक पहलू को देखते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, हर एक चीज करके आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन आकलन का मतलब, आकलन एक संक्षिप्त रूप है, मूल्यांकन एक विस्तृत रूप है। अब आ गया बात CCE का मतलब क्या होता है। CCE का मतलब क्या होता है दोस्तों, CCE का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसको हिंदी में कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। CCE करके आपसे सवाल पूछा था। एक नंबर में अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो बस इसको फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, CCE का मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। लेकिन समझ में क्यों नहीं आएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर, देखिए जब सतत की बात करें तो निरंतर और व्यापक की बात करें तो संपूर्ण क्षेत्र में, तो विकास का निरंतर और नियमित आकलन है जिसमें विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विधियों उपकरणों द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गए, तो यहाँ तक बात हो गई सतत और व्यापक मूल्यांकन। आगे की आप परीक्षाओं में देखेंगे तो कई बार इंडिविजुअल पूछ देता है कि सतत से आप क्या समझते हैं और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसको भी यही समझ जाइए। सतत का मतलब होता है दोस्तों लगातार। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें बच्चों का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलता रहता है, ठीक है। जब आप पढ़ा रहे हैं तो पूरे वर्ष औपचारिक अनौपचारिक रूप से चलता रहेगा, उसकी मूल्यांकन आप करते रहेंगे। व्यापक मूल्यांकन से आशय बच्चे के समस्त कौशल गुणों का, उसके खेलने का, उसके लिखने का, उसके व्यवहार का, उसके नैतिकता का, हर एक चीज का मूल्यांकन, इसलिए इसको व्यापक कहते हैं। व्यापक से आशय है कि बच्चे के समस्त कौशल गुणों का विकसित, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं समग्रात्मक विकास भी सम्मिलित है, जो एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो सतत और व्यापक का मतलब दोस्तों, आप निरंतर नियमित प्रत्येक पूरे वर्ष करते रहेंगे, और व्यापक का मतलब दोस्तों उसके समस्त कौशलों का, समस्त गुणों का, चाहे वो सामाजिक हो, नैतिक हो, आध्यात्मिक हो, चाहे वो संवेगात्मक, इमोशनल हो, हर एक प्रकार का मूल्यांकन करेंगे, तो ये होगा व्यापक मूल्यांकन। तीसरा सवाल, नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब ये होता है, जब RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू किया गया, उसमें कहा गया कि 6 से 14 से, मतलब 1 से 8 तक के किसी भी बच्चे को आप स्कूल में फेल नहीं कर सकते, इसको कहते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी। अब वो बच्चे को फेल नहीं करेंगे, अगर कोई बच्चा सच में बहुत कमजोर है पढ़ने, तो आप उसको और मेहनत कराइए, और मेहनत करिए, हालांकि बच्चे सारे क्लास अगले
इसको आप दोबारा 2 महीने के बाद टेस्ट लीजिए, फिर 1 महीने के बाद टेस्ट लीजिए, इस तरीके टेस्ट लेके फाइनली आपको क्या करना है, प्रमोट कर देना है। जहाँ जहाँ कमी रही उसको सुधारिए, फिर उसको प्रमोट कर देना है। तो नो डिटेंशन पॉलिसी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2 का एक अहम हिस्सा है। इस नीति में 1 से 8 तक के किसी छात्र को फेल नहीं किया जाता है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है कि छात्र की सफलता का मूल्यांकन केवल उनके द्वारा परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर न किया जाए, बल्कि उनमें सर्वांगीण विकास को भी ध्यान में रखा जाए। तो केवल अंक नहीं पा पाया इसका मतलब ये नहीं कि फेल है, बाकी और चीज़ों में ठीक ठाक है, समझता है बात को, समझदार है, चीज़ों को समझ पा रहा है, हालांकि अंक नहीं पा पाया तो उसको 1-2 महीने बाद फिर से टेस्ट लेके आप उसको पास कर देंगे। तो जब नो डिटेंशन पॉलिसी की बात आएगी का मतलब बच्चे को आपको फेल नहीं करना है। कितना मस्त है ना, हम लोग के टाइम में कर देते थे फेल। हाँ ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं रचनात्मक मूल्यांकन की। ठीक है रचनात्मक, अच्छा इस बार बच्चों का अब थोड़ी सी पिटाई भी नहीं होती है, पहले तो बहुत मारते थे यार मेरे संस्कृत वाले टीचर थे, मुझे अभी भी याद है, मतलब सबसे ज़्यादा वही मारते थे, मतलब बहुत बुरी तरीके से मारते थे, ऐसे ब्लैक बोर्ड की तरह मुंह करके खड़ा करा के, और मत बता मत पूछो यार। अब बात कर लेते हैं रचनात्मक मूल्यांकन की। देखिए ये जो पूरा सब्जेक्ट है ना वो शब्दों का खेल है, ठीक है, बात वही आएगी, आकलन मूल्यांकन यही सब चीज़ें आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा शब्द समझ जाएंगे आप लिख लेंगे। जैसे आकलन में भी आपने बच्चों का का ये देखा कि कितना सीखा, मूल्यांकन में भी यही देखे, अब यहाँ पे आ गया रचनात्मक मूल्यांकन, रचना करना, रचनात्मक का मतलब रचना। रचना से मतलब ये है कि जब मान लीजिए मूल्यांकन किसी शिक्षक पाठ के दौरान करता है, जैसे मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो बनाने के दौरान अगर आप किसी को कहते हैं जरा टेस्ट करके बताओ कैसा है, तो वो जो मूल्यांकन करेगा वो रचनात्मक होगा, क्योंकि उसमें वो बताएगा कि भाई नमक कम है या फिर ये ऐसी दिक्कत है, तो आप उसको तुरंत मिला के उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है तो इसको रचनात्मक कहते हैं। इसके विपरीत सब लोग खाने की टेबल पर बैठे और वहाँ पर आप पूछ रहे हो और कैसा बना है, उसने कह दिया कि अरे यार नमक ही कम डाले हो, तो वो योगात्मक हो जाएगा, वहाँ पर परिणाम बताया गया कि आपने सही बनाया या खराब बनाया। तो कोई भी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही, मतलब पूरी होने से पहले ही अगर कोई आप मूल्यांकन करते हैं तो उसको रचनात्मक कहते हैं। और इस मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, उसके प्रगति में सुधार लाना, कमियों को दूर करना, तो ये रचनात्मक मूल्यांकन हो गया। योगात्मक मूल्यांकन क्या है भैया, योगात्मक योजना या सामग्री गुण दोष इसलिए एकत्रित किया जाए कि उस कार्य में समझ स्वीकार करने निर्णय लिया सके। योगात्मक मतलब कोई प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब पूरी होने के बाद आप उसकी मूल्यांकन करेंगे तो आप निर्णय लेंगे कि इसको कर इस प्रक्रिया को आगे जारी रखा जाए कि ना रखा जाए। जैसे किसी विद्यार्थी के मामले में अगर आप जैसे फाइनल एग्जाम जो ले रहे हैं तो वो आप इसलिए ले रहे हैं कि क्या इस बच्चे को अगले क्लास में डाला जाए कि ना डाला जाए, और बीच में जो टेस्ट ले रहे हैं या फिर बीच में जो सवाल पूछ रहे हैं वो क्या है उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन और सृजनात्मक मूल्यांकन, समझ में आ गया ना। बस इतना समझिए कि जब कोई शिक्षण प्रक्रिया के पूरी होने से पहले, मध्य में या शुरुआत में इसलिए मूल्यांकन किया जाए ताकि उसकी जानकारी एकत्रित कर उसमें सुधार किया जाए, तो वो रचनात्मक होगा। योग का मतलब संपूर्ण, योगात्मक मतलब जब कोई शिक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल्यांकन इस दृष्टिकोण से किया जाए या इस उद्देश्य से किया जाए कि उसके बारे में यह निर्णय लिया जा सके कि उस प्रक्रिया को भविष्य में आके रखना है या नहीं रखना है। इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार के मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन कहेंगे। फॉर्मेटिव और समेटिव इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस तरीके से समझ जाएंगे इसको। अगला सवाल देख लीजिए भाई, अगला सवाल कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार बताइए, द टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। चलिए 4 प्रकार, निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान, अनुभूति क्रियात्मक अनुसंधान और प्रयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। इसके बारे में ऑलरेडी बनाया जा चुका है, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जब 1 नंबर में पूछेगा तो केवल नाम डाल देंगे। निदात्मक का मतलब जैसे किसी भी, पहले क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, विद्यालय से संबंधित कोई भी समस्या होना तो उसके कारण को जानना और उसका वैज्ञानिक हल करना, यह क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। निदानात्मक का मतलब किसी विद्यार्थी से संबंधित समस्या के कारण जाने, आप उसको हल करें और उसको फिर आपने ठीक कर दिया, ये निदानात्मक। सहभागी का मतलब दोस्तों, सहभागी का मतलब वह क्रियात्मक अनुसंधान जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर उसको हल करें। अब ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए विद्यालय में पर्यावरण सही नहीं है, विद्यालय में गंदगी बहुत है, तो दोनों मिलकर करेंगे, तो ये सहभागिता होगी। अनुभूति यानी कि कॉग्निटिव अनुभूति मूलक क्रिया, इसमें अनुसंधान करना जो है वो खुद अपने ऊपर करता है। जैसे शिक्षक को लगा यार मेरी पढ़ाने का तरीका बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अपने ऊपर करेगा, या विद्यार्थी को लगेगा कि मैं ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वो अपने, तो ये होगी इसकी बात। प्रयोगात्मक का मतलब प्रैक्टिकल कोई ऐसी प्रक्रिया
जिसका असर दूसरों पे भी पड़े, पूरे स्कूल पे पड़े, तो इस तरीके का प्रयोगात्मक कहते हैं। और इसमें प्रयोगों द्वारा किया जाता है, तो इस तरीके का प्रयोगात्मक कहते हैं। तो समझ में आ गई, बस आपको एक नंबर में प्रकार पूछा था। तो हालांकि क्रियात्मक अनुसंधान पे एक पूरी वीडियो बनी है, जिसमें इसके टाइप्स, इसके सोपान और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रियात्मक अनुसंधान के रिपोर्ट भी तैयार किए गए, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं आगे। अगला सवाल है, आवृत्ति वितरण का महत्व क्या है? आवृत्ति वितरण मतलब जैसे कि हम चार्ट में या फ्रीक्वेंसी में बच्चों के मार्क्स दे देते हैं, या फिर स्टैटिक्स जैसे ये चार्ट देखिए, इसमें ये बता रहा है कि 15 से 19 नंबर पाने वाले बच्चे 9 बच्चे हैं, 20 से 24 पाने वाले 11 बच्चे हैं। तो ये पूछ रहा है इस वितरण की क्या महत्व या फिर क्या उपयोगिता, इसका क्या फायदा है। अब इससे अक्सर ही लगता है आपको इससे मूल्यांकन करने में आसानी हो जाएगा, निर्णय लेने में आसानी हो जाएगा, ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो भैया जैसे इस क्लास रूम में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, इतने बच्चे कमजोर हैं, इतने बच्चे ठीक है, इतने बच्चे बहुत अच्छे हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे 65 से 19 पाले वाला एक नंबर है, तो मतलब आपको लगेगा चलो एक ही ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट डिवीजन आया है या फिर जो अच्छा नंबर पाया है। 60 में देखेंगे तो आपको लगेगा चलो फर्स्ट डिवीजन वाले टोटल 6 बच्चे, तो क्या क्या हो जाएगा, आकलन करने में, समझने में आपको आसानी हो जाएगा। तो भैया देखिए, अव्यवस्थित अंक प्राय निरार्थक होते हैं, उनका अर्थ नहीं होता, अतः तो आवृत्ति वितरण द्वारा प्रदत्तों को मतलब डेटा को समझने में सहायता मिलती है। आवृत्ति वितरण से अवलोकन से समूह संबंध स्पष्ट धारणा बन जाती है और निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जब इस तरीके का डेटा हो ना, तो अवलोकन करने पे देखने पे एक संबंध बन जाता है स्पष्ट रूप से और निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। अगला पॉइंट, वर्गीकृत प्रदत्तों का रेखाचित्र द्वारा व्यक्त करके सरल एवं बोधगम्य बनाया जाता है, आसान बनाया जाता है, समझने योग्य बनाया, बोधगम्य मतलब समझने योग्य बनाया जाता है। साधारण व्यक्तियों के लिए रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत अंक अधिक उपयुक्त व सरल से समझने योग्य होते हैं। अधिक उपयुक्त होंगे, सरल होंगे, समझने योग्य होंगे, डेटा के बारे में निर्णय ले सकते हैं, आप देखते ही एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, ये हो गई इसकी उपयोगिता। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सेमेस्टर प्रणाली के गुण एवं दोष के बारे में सवाल आपसे पूछा गया है। कि सेमेस्टर जैसे आपका बीएड ईयरली होता है, बहुत सारे विश्वविद्यालय में सेमेस्टर होता है, तो सेमेस्टर एग्जाम होने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में जानना है, तो आइए देखते हैं इसको। तो अब देखते हैं सेमेस्टर प्रणाली के गुण। अब आप बताइए फायदे क्या है सेमेस्टर एग्जाम होने से। जैसे ईयरली एग्जाम में क्या होता है कि आप बच्चे ना बहुत लापरवाह हो जाते हैं, ये बात तो सही है, पूरे साल पढ़ाई नहीं होगी, लास्ट के 3 महीने पढ़ाई हो जाएगी, तो बच्चों का सही से अध्ययन नहीं हो पाता है ईयरली में। सेमेस्टर में क्या होता है, चूंकि हर 6 महीने बाद एग्जाम होना है, तो बच्चे इसमें सीरियसली पढ़ते हैं और इनकी कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को पढ़ाया जा सकता है, और बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कैसा नहीं पढ़ रहा है, उसकी तैयारी कैसी है, इसका मूल्यांकन जल्दी हो जाता है। इसके गुण में देखिए दोस्तों, सेमेस्टर प्रणाली में छात्र के ज्ञान की जांच उचित ढंग से संभव है और इनमें सफलता के आधार पर छात्र को आगे कक्षाओं में भेजा जा सकता है। इन परीक्षाओं के आधार पर छात्र की विषय संबंधित कठिनाइयों एवं कमजोरियों का निदान किया जाता है। परीक्षा फल के आधार पर शिक्षक अपने अध्यापन विधि की सफलता का आकलन भी कर सकते हैं एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके उसे अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। शिक्षक परीक्षा के आधार पर विद्यार्थी की क्षमता का पता लगाकर उसे उचित निर्देशन दे सकते हैं, मतलब जल्दी एग्जाम हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ कौन बच्चा कितना है, कैसे मेहनत करना है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके दोष क्या है दोस्तों, जैसे थोड़े थोड़े अंतराल करने पर ना परीक्षा का बड़ा दबाव बन जाता है। दूसरी बात, ज़्यादा बच्चे हों तो सेमेस्टर एग्जाम कराने में भी समस्या होती है, पैसे की खर्च होती है, समय की खर्च होती है, ज़्यादा शिक्षकों की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो इस तरीके से ये इसके दोष हो गए। ठीक, 2 बार परीक्षा आयोजन संभव नहीं है, कब, जब छात्रों की संख्या अधिक हो, तो छात्रों की संख्या कम होने पर तो वर्ष में 2 बार परीक्षा का आयोजन संभव हो सकेगा, परंतु छात्रों की संख्या अधिक होने पर यह संभव नहीं है। संभव है मतलब मुश्किल है, कहने का मतलब मुश्किल है, इसमें एग्जाम्स कराने में आपको पैसे लगेंगे, टीचर लगेंगे, समय लगेगा, ये सारी चीज़ें। अच्छा, सेमेस्टर में एक और बात है कि हर साल के 4 महीने तो एग्जाम में ही निकल जाता है, शुरू में और लास्ट में रिजल्ट में, तो इस तरीके से इसके गुण और दोष पूछता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है। इस तरीके की आकृति जो है ना, इसको हिस्टोग्राम आकृति कहते हैं। तो सांख्यिकी में आयत चित्र हिस्टोग्राम के आंकड़े वितरण का ग्राफीय निरूपण, सतत चर या प्रायिकता वितरण, जिसके सर्वप्रथम कार्ल पियर्स ने प्रस्तावित किया था। आयत चित्र सारणीबद्ध आवृत्ति का निरूपण है, जिसे असतत अंतराल पर खड़े आयत द्वारा निरूपित किया जाता है। इतनी हिंदी हो गई, मुझे खुद इतना समझ में नहीं आया, बस ये चित्र बना दीजिएगा और बस ये समझिएगा कि जो दोस्तों आयत चित्र बनाकर इसको निरूपित किया जाता है, आयत चित्र मतलब ये एक आयत है, ठीक है, ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है, इसी तरह खड़ी आयत बना के इसका निरूपण किया जाता है। इसमें आंकड़ों का वितरण, जैसे डेटा का क्लासिफिकेशन इसमें प्रदर्शित किया जाता है, ग्राफीय निरूपण किया जाता है, और आयत का आयत द्वारा ऐसे भी है। ये हो गए हिस्टोग्राम के बारे में। तो इस तरीके से 2022 के जो क्वेश्चन पेपर थे वो यहाँ पे समाप्त हुए। अब आज शुरू करेंगे 2021 के क्वेश्चन।
यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लगाना भूल गए। चलिए तो 2021 क्वेश्चन पेपर हम शुरू करते हैं। 2021 के क्वेश्चन पेपर को देखिए शॉर्ट में आपको समझते हुए चलना है। परीक्षण योजना क्या है, जैसे टेस्ट लेने से पहले आपको प्लानिंग करनी है परीक्षण योजना क्या है। तो किसी किसी के द्वारा परीक्षण से पूर्व परीक्षा में आने वाली कठिनाइयों का आकलन कर उसे दूर करने का उपाय कर लिया जाता है, जिससे परीक्षा की गुणवत्ता और बेहतर की जा सके। ठीक है, तो परीक्षा से पूर्व करने जा रही योजना, किसी परीक्षा से पहले की गई योजना जिसके अंतर्गत परीक्षा की विविध उद्देश्य मूल्यांकन की विधि का निर्धारण किया जाता है प्रशिक्षण योजना कहलाता है। यानी कि ये परीक्षण ही परीक्षण योजना कहलाता है। ठीक है, तो परीक्षा से पहले या फिर प्रशिक्षण है तो प्रशिक्षण से पहले की गई योजना, प्रशिक्षण मैंने गलती पढ़ दिया, तो प्रशिक्षण से पहले किसी भी ट्रेनिंग से पहले आपको की गई योजना प्रशिक्षण योजना कहलाती है। फिर से आगे दोस्तों आलेखीय निरूपण की उपयोगिता, आप ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करते हैं उसकी क्या फायदा है उपयोगिता आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। एक और फायदा यहाँ पे ये है, जैसे मान लीजिए आपको मैप बनाना है, मानचित्र बनाना है, तो मानचित्र में मान लीजिए यहाँ से लखनऊ से लेके अयोध्या की दूरी 150 किलोमीटर है, तो मैप में क्या करेंगे आप आराम से यहाँ पे एक 1.5 सेंटीमीटर का खींचेंगे और लिख देंगे 150 किलोमीटर, नीचे लिख देंगे 150 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया दोस्तों, बड़े दूरियों को भी छोटी दूरियों में दिखाया जा सकता है। तो एक और ये क्या है, आलेखीय निरूपण का फायदा है। आलेखीय विधि से मानचित्र की दूरी के लिए धरातल की दूरी दी जाती है, इसके माध्यम से दो स्थानों की दूरी आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इस विधि को मुख्य उपयोग यह भी है कि मानचित्र के छोटा या बड़ा करने पर भी उसी अनुपात में छोटी या बड़ी हो जाती है, अतः मानचित्र छोटा या बड़ा किए जाने पर मापक को सरलता से जाना जा सकता है। इसके अलावा और ग्राफीय मतलब आलेखीय निरूपण का मतलब क्या है, आलेखीय निरूपण में आप डेटा को सही समझ सकते हैं, अंतराल को सही समझ सकते हैं, संबंध को सही स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए अभी क्षमता का मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब अक्सर आप कभी एडमिशन लेने जाएंगे ना तो एक एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें आपको ये जाना जाता है कि अभी तक आपने क्या समझा, अभी तक आपने क्या जाना, आपकी कहाँ कमी रह गई, आगे आपको क्या पढ़ाना है। अभी क्षमता मानव क्षमता का एक प्रमुख अंश है, मानव के अंदर जो क्षमता है उसका एक प्रमुख अंश है। अभी क्षमता किसी क्षेत्र में विशेष कौशल या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को अभी क्षमता कहते हैं। किसी विशेष मैथ में आपकी कितनी अच्छी नॉलेज है, फिजिक्स में कितनी अच्छी नॉलेज, इस चीज़ को जानने की क्षमता को अभी क्षमता कहते हैं, मतलब इसका एप्टीट्यूड, इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। फीमेन ने अभी क्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि गुणों या विशेषज्ञों के एक ऐसे संयोग से होता है जिससे विशिष्ट ज्ञान तथा संगठित क्षमता का पता चलता है, व्यक्ति के सीखने की क्षमता का पता चलाता है। और अभी क्षमता कहा जाए मतलब जो व्यक्ति के सीखने की क्षमता, मतलब व्यक्ति कहाँ तक सीखा है और कहाँ सीख सकता है, उसको क्या क्षमता है, इस चीज़ को पता लगाना अभी क्षमता कहलाता है, एप्टीट्यूड कहलाता है। ओके दोस्तों, इसको आसानी से अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा, ये तो जो मुझे समझ में आया मैंने उसको लिखा है यहाँ पे, आप आसानी से एप्टीट्यूड अभी क्षमता का मतलब खुद अपने शब्दों में बना सकते हैं। समझते हुए चलिए, या तो ना आप कर पाएंगे ना हम कर पाएंगे, जैसे मैं ये पढ़ रहा हूँ ना, अगर मान लीजिए मुझे ही लिखना हो तो जरूरी नहीं कि मैं यही लिखूंगा, मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, कोई भी नहीं लिख पाएगा। लेकिन हाँ, मुझे ये समझ में आ गया अभी क्षमता का मतलब कि उसकी जानकारी कितनी है, किसी विषय किसी विशेष तथ्य के बारे में वो कितना समझ रखता है, कितनी जानकारी रखता है और कितना वो तैयार, तो इस चीज़ के बारे में हम अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। शिक्षा में सांख्यिकी की भूमिका क्या है भाई, शिक्षा में सांख्यिकी क्या भूमिका है, तो जो डेटा है उनका सटीक विवरण देना होता है, जैसे कितने बच्चे आज आए हैं, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, इसका सही डेटा आपको दिया जा सकता है। कभी कभी तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण शिक्षक विद्यार्थी के प्रदर्शन का वर्णन करने में स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन आंकड़ों के उसे उचित भाषा और प्रतीकों का उपयोग करके प्रदर्शन कर वर्णन करने में सक्षम बनाते हैं, जो व्याख्या को निश्चित सटीक बनाते हैं। तो कोई भी मान लीजिए कभी कभी आप किसी क्लासरूम के बारे में या किसी स्टूडेंट्स के बारे में नहीं बता पाए, तो जो सांख्यिकी में जो डेटा में उनका आंकड़ा रिकॉर्ड रहेगा वो बता देगा कि हाँ इनका परफॉर्मेंस कैसा है। सह संबंध के प्रकार दोस्तों, धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध, इसको भी आगे पूछा गया कई बार कि धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध क्या होता है। रेखीय और आरेखीय, वक्रीय सहसंबंध, सरल बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध, ये प्रकार है, लेकिन मुझे खुद इन दोनों के बारे में नहीं पता। धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध मुझे पता है, इसलिए पता है क्योंकि इससे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपसे पूछा जाता है। तो ये तीन प्रकार आप नोट कर लीजिए, बाकी आगे हम देख लेते हैं धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध होता क्या है। ठीक है, चलिए क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन, अच्छा चलिए अभी बता देते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध में क्या क्या संबंध है। जब मान लीजिए दो डेटा दिया गया हो, किसी एक के आगे बढ़ने से दूसरा भी आगे बढ़ रहे, इसके विपरीत एक का डेटा बढ़ने पे दूसरा का घटे। अब इसमें यूँ समझ लीजिए कि बच्चे की छुट्टी, मतलब उसने क्लास में कितने दिन छुट्टी करी, उस हिसाब से उसके जो जितना छुट्टी करेगा उसके परिणाम कम होंगे।
एक जनरल सी बात है, जितना वो स्कूल से गायब रहेगा उसके उतने प्राप्तांक कम होंगे। आप एक और डेटा बना लीजिए कि आमदनी और कर्ज, आपकी आमदनी, आपकी इनकम, आपके पैसे जितने बढ़ेंगे आपके कर्ज उतने कम होंगे। डेफिनेटली बात है, जितने पैसे हैं कर्ज अगर आप देना चाहते हैं तो इस तरीके से धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब, जब एक आंकड़े में वृद्धि होने पर दूसरे आंकड़े में भी वृद्धि हो तो धनात्मक, जब एक आंकड़े में वृद्धि होने पर दूसरे पे कमी हो तो ऋणात्मक, और एक आंकड़े की वृद्धि होने पर दूसरे पे कोई प्रभाव ना पड़े तो उसे शून्य सहसंबंध कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन, दोस्तों हमने लास्ट टाइम जब क्रियात्मक अनुसंधान रिपोर्ट बनाया था तो उसमें अंततः हमने एक मूल्यांकन किया था। वास्तव में मूल्यांकन, क्रियात्मक अनुसंधान में किसी समस्या का चुनाव करके आप एक परिकल्पना बनाते हैं, फिर उसको उस परिकल्पना के आधार पर उस समस्या का हल करते हैं। लास्ट में मूल्यांकन करके आप ये देखते हैं कि वो जो समस्या थी वो हल कितनी हुई है, आगे उसको और कैसे हल करना है, कितना उसमें सुधार हुआ। तो क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन यह पता लगाया जाता है कि हमारी परिकल्पना सही अथवा है अथवा नहीं, विद्यालय संबंधी समस्या का निवारण किस स्तर तक हुआ, किस सीमा तक हुआ, कितना बेहतर हुआ, इस चीज़ों के बारे में लगाया जाता है। मूल्यांकन अनुसंधान को अनुशासित और व्यवस्थित जांच के रूप में परिभाषित किया गया है जो निर्णय लेने में उपयोगी जानकारी प्रदान करने में करने के उद्देश्य से वस्तु, कार्यक्रम, अभ्यास, गतिविधि, प्रणाली, मूल्यांकन, पहुंचने, इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन किस लिए किया जाता है दोस्तों, ताकि आप उसकी उपयोगी जानकारी आप ले सकें। चलिए, ये हो गई बात मूल्यांकन की। अगला है दोस्तों निष्पत्ति परीक्षण, मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। किसी बच्चे की अचीवमेंट क्या है, कोई बच्चा कितना सीखा, किसी बच्चे की उपलब्धि क्या है, उस क्लासरूम में कहाँ तक पहुँचा, इस तरीके के टेस्ट को अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। इस तरीके के परीक्षण को निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं। निष्पत्ति मतलब उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं इसको। वह परीक्षण है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी के शिक्षण अधिगम द्वारा आए हुए व्यवहारगत परिवर्तन को परखना, अर्थात शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो निष्पत्ति और उपलब्धि परीक्षण क्या है कि किसी बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया या शैक्षिक कितनी उसकी उपलब्धि प्राप्त हुई, इसको जानने के लिए। तो जिस शब्दों में पूछे आपको उस शब्दों में लिखना है, उपलब्धि परीक्षण पूछे तो भाई उपलब्धि परीक्षण की ये बात हो गई। आकलन की परिभाषा, आकलन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आकलन का मतलब अनुमान लगाना या अंदाजा लगाना। परिभाषा पूछा है तो इरविन ने कहा था कि आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार पर अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। ये बात हो गई आकलन की परिभाषा इरविन जी के अनुसार। पृष्ठपोषण की भूमिका, मतलब फीडबैक की भूमिका। किसी बच्चे के पढ़ाई के सुधार में फीडबैक का क्या योगदान है, पृष्ठपोषण इसको कहते हैं। तो फीडबैक का क्या योगदान है, तो क्या योगदान है, देखिए आप जैसे मैं आपको आपको ये वीडियो बना के समझा रहा हूँ, तो आप मुझे फीडबैक देंगे तो मेरे लिए क्या फ़ायदा होगा, मुझे समझ में आ जाएगा चलो भैया बच्चों को पसंद आया, या कोई बच्चा कह दे कि सर पसंद नहीं। हाँ, एक जैसे पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ जाती है तो ये फीडबैक है। अब मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाह के भी नहीं हटा सकता, कि मैं ऐसे जगह रहता हूँ तो मैं इसको बदल नहीं सकता, तो लेकिन मुझे पता तो चलेगा कि हाँ ये कमी है, इसको हम दूर कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, निगरानी, आकलन या फीडबैक विद्यार्थी के सीखने, बोलने, पढ़ने और लिखने के विकास के कई पहलुओं से संबंधित हो सकते हैं। अपने विद्यार्थी के बारे में सतत जानकारी एकत्र करके और किन किन विद्यार्थियों को कठिनाई हो रही है, कौन से विद्यार्थी आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हैं, इसकी पहचान करके आप कक्षा में हर किसी की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अपने अध्यापन में बदलाव कर सकते हैं। तो जब हमें पता चलेगा, जब मुझे पता चलेगा तो मैं इसमें बदलाव करूँगा, जो संभवतः हो सकेगा उसको करूँगा, जो नहीं हो पाएगा उसको कोशिश करूंगा कि फिर कभी कर दें। तो फीडबैक का क्या रोल है, बच्चे को जब फीडबैक मिलता है या बच्चे का फीडबैक हमें मिलता है तो हम ये देखते हैं कि चलो ये इस स्तर तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, आगे इसको और ऐसे करना है, अगर कोई कमी है तो उसको बदलाव करना है। तो ये है फीडबैक की, फीडबैक का क्या दोस्तों क्या योगदान या भूमिका, जो भी कह रही। अगला है सांख्यिकी, मतलब सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, बस ऐसे सांख्यिकी पूछा था तो सांख्यिकी के बारे में आप जो जानते हैं बता दीजिए। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी में क्या किया जाता है, डेटा का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन किया जाता है। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या, स्पष्टीकरण प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों सांख्यिकी के बारे में। इस तरीके से 2019 का अभी समाप्त हुआ, अब यहाँ पे सॉरी 2020 ये फिर से वही आ गया क्या, अभी हमने कौन सा देखा था, जो भी हो मतलब पीछे 2022 देखा था, 2021, हाँ ये 2020, अभी 2020 यहाँ से शुरू हो गया, इसके पहले हमने 2021 देखा था, यहाँ से 2020 शुरू हो गया।
2020 का पहला सवाल देखिए क्या है, आकलन का अर्थ पूछा है। पहला क्या पूछा है, आकलन का अर्थ। आकलन का अर्थ आप ऑलरेडी देख चुके हैं, व्यापक मूल्यांकन को भी आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो हम शुरू करेंगे कहाँ पे, ग्रेडिंग। आकलन का मतलब अंदाजा लगाना, व्यापक का मतलब हर एक पहलू का मूल्यांकन करना, ठीक है, उसके संज्ञानात्मक, उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मनोविज्ञान, हर एक तरीके का आकलन व्यापक आकलन कहलाता है। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेडिंग प्रणाली मतलब क्या होता है, इसमें बच्चों को मार्क्स नहीं दिया जाता है कि 100 में आपने 80 नंबर पाया, 100 में आपने, इसमें ग्रेड दिया जाता है। आप ए प्लस ग्रेड में है, ए ग्रेड में है, बी प्लस में है, बी में है, सी में, इसमें ग्रेड दिया जाता है। तो ग्रेड प्रणाली स्टूडेंट्स का मूल्यांकन सीधी तरह ग्रेड के रूप में किया जाता है और एग्जाम में मिले मार्क्स के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं। सीधे ग्रेड देते समय एग्जामिनर सबसे पहले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग अलग ग्रेड प्रदान करता है और फिर बाद में उस प्रश्नों के ग्रेड का औसत निकालकर, ग्रेड औसत निकालने से तो क्या होता है, हम हर एक विषय को ग्रेड दे देंगे, फिर लास्ट में एक बताएंगे कि बच्चा इस ग्रेड से पास हुआ। तो ये हो गए दोस्तों ग्रेडिंग सिस्टम, जहाँ पे हम बच्चों का अंकों में ना देकर, बच्चों का परीक्षा फल अंकों में ना देकर हम ग्रेड में देते हैं। यहाँ तक बात हो गया। अब आइए फिर से आ गया आवृत्ति वितरण। आवृत्ति वितरण मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके उपयोग हमने ऑलरेडी देख चुका है। तो आवृत्ति वितरण क्या है भाई, केवल एक तालिका या सारणी है जिसमें डेटा को सामान्य विशेषताओं के आधार पर वर्गों में बांटा जाता है। सामान्य विशेषता मतलब इन 9 बच्चों की विशेषता यह है कि इनका अंक 15 से 19 नंबर के बीच में है या इसके अंतर्गत आता है। इन 26 बच्चों की विशेषता यह है कि इनका अंक 50 से 54 के बीच में, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग में आने वाले अवलोकनों या प्रेक्षणों की संख्या दर्ज की जाती है। तो एक तरफ उनका उनकी वो विशेषता होगी, दूसरी तरफ उनका उनकी संख्या होगी। यह एक चर के विभिन्न मानों के घटित होने की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है या यह दिखाता है कि किसी चीज में यह घटना घटी है या ये चीजें स्थिति हुई है। तो ये हो गया दोस्तों आवृत्ति वितरण। शब्दों का खेल है, समझने की कोशिश करिएगा और अपने शब्दों में बना के लिखने की कोशिश करिएगा। एक बार खुद से भी पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गई बात आवृत्ति वितरण की। ओके चलो बाबू, हाँ ये रहा। हाँ धनात्मक सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सहसंबंध का एक प्रकार है। धनात्मक सहसंबंध दो चरों के बीच एक संबंध है जो एक के साथ चलते हैं, यानी एक ही दिशा में चलते हैं। एक धनात्मक सहसंबंध तब मौजूद होता है जब एक चर घटता है क्योंकि दूसरा चर घटता है, एक चर बढ़ता है, जब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। इस तरीके का अगर सहसंबंध है दो डेटा के बीच में तो वो धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। अगला पॉइंट, शोध का अर्थ क्या हुआ, मतलब रिसर्च का मतलब क्या है, री मतलब दोबारा, सर्च का मतलब खोज करना। शोध का अर्थ होता है खोज करना या पता लगाना। शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। रिसर्च मूल रूप से लैटिन भाषा के शब्द से री का अर्थ होता है दोबारा और सर्च का होता है खोजना, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास ही शोध है। आप उस पर दोबारा रिसर्च करिए, दोबारा सर्च करिए, उस पर और नॉलेज करिए और, इसी चीज को क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं, ठीक है। दोबारा सर्च करना, दोबारा ज्ञान प्राप्त करना, तो ये हो गया शोध का मतलब ज्ञान प्राप्त करना, खोज करना, पता लगाना। बहुत अच्छा। शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में बताइए भाई, शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है। शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं अथवा प्रक्रियाओं, कौन कौन सी प्रक्रिया, जैसे शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु, कक्षा शिक्षण, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के कार्यक्रम, शिक्षा सामग्री इत्यादि। अब इसमें क्या करना है, आपको ज्ञात करना, ये क्या क्या दोस्त, इनके बारे में ज्ञात करने की प्रक्रिया, इनके क्षेत्र विभिन्न वस्तुओं के। दोस्तों शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन क्या है भाई, शैक्षिक मूल्यांकन ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे विभिन्न पहलू होते हैं ना, उनके बारे में ये जानना कि कितना परिवर्तन हुआ, कितना सुधार हुआ, कितना कम, कौन कौन सी प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु, कक्षा शिक्षण, शिक्षा के उद्देश्य, शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षा सामग्री इत्यादि की वांछनीयता को ज्ञात करना, उनके उनके संबंध को ज्ञात करना, उनमें कितना परिवर्तन हुआ, इस चीज को ज्ञात करना। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक निर्णय लेने में सहायता करना, ठीक है। अतः शैक्षिक मूल्यांकन क्या, मूल्यांकनकर्ता का अंतिम लक्ष्य शिक्षा में सुधार लाना है। मापन के अंतर्गत जहाँ किसी वस्तु को आंकिक रूप दिया जाता है, वही मूल्यांकन प्रक्रिया में ठीक इसके विपरीत उस वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो ये हो गए दोस्तों मूल्यांकन का मतलब दोस्तों, कि शैक्षिक मूल्यांकन का अंतिम लक्ष्य यह है कि शिक्षा में सुधार करना, ये शैक्षिक मूल्यांकन पूछा गया। अब इसमें आप क्या करते हैं, तमाम जो शिक्षण विधियाँ हैं, तमाम जो शिक्षण पाठ्य वस्तुएं हैं, पाठ्यक्रम हैं, इसके बारे में पता लगाते हैं कि यह कितना व्यवहारिक है और इसके अंदर कितना परिवर्तन हुआ, कैसे और सुधार करना है। ये हो गई बात शैक्षिक मूल्यांकन। तो दोस्तों 2020 का ये समाप्त हो, 2020 के जो और सारे क्वेश्चन थे वो रिपीटेड थे, तो पीछे हम उसको देख चुके हैं। इस विषय में रिपीटेड सवाल ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, कई बार इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात यहाँ पे समाप्त होती है। अब यहाँ से 2019 यहाँ से स्टार्ट होगा। अब 2019 में देखिए, अभिक्षमता एवं अव्यवृत्ति,
अभी क्षमता हम ऑलरेडी एप्टीट्यूड देख चुके हैं, ठीक है। आकलन का संप्रत्यय हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सांख्यिकी के चार प्रयोग देख लेंगे, हालांकि आप सांख्यिकी जानते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ये सब हम निष्पत्ति परीक्षण मतलब अचीवमेंट टेस्ट हम परफॉर्मेंस टेस्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार चलिए पढ़ लेते हैं। आवृत्ति बहुभुज क्या है? चलिए, एक आवृत्ति बहुभुज एक बहुभुज है जो एक आयत चित्र वक्र में शीर्ष आयतों के मध्य बिंदु एक रेखाखंड को जोड़कर बनाया जाता है। मतलब इस रेखाखंड को जोड़कर शीर्ष आयत की जो आयत जो आपने हेलोग्राम देखा उसकी आयत की जो सबसे शीर्ष बिंदु होगी ना उसके मध्य बिंदु से एक ऐसे बनाया जाता है। यह एक आयत चित्र बनाकर तैयार किया जाता है। एक आवृत्ति बहुभुज डेटा का एक ग्राफ के रूप में निरूपण है जो आयत चित्र के आयत शीर्ष बिंदु से जो प्राप्त किया जाता है। यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए अत्यधिक डेटा का विश्लेषण के लिए उपयोग किया गया डेटा सचित्र रूप है। मतलब इसमें ये देखा जाता है कि किस क्षेत्र में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। जैसे इस ग्राफ में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बच्चों का अत्यधिक परिवर्तन हुआ, खासतौर पे ये जो क्षेत्र है यहाँ पे अत्यधिक परिवर्तन हुआ। ये बात हो गई आयत आवृत्ति बहुभुज। एक बार थोड़ा सा आप अपने शब्दों में देखिएगा, ये मुझे खुद बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया था, टू बी क्लियर। ये सवाल दोस्तों, इस आंकड़े का माध्यिका निकालना है, मीडियन निकालना है, तो हम एक काम करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल सवाल है उसको एक अलग वीडियो में हम देखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं अगला सवाल, अभिवृत्ति और अभिक्षमता का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, अभिवृत्ति और अभिक्षमता के बारे में, अभिवृत्ति का मतलब आपका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड क्या मतलब होता है? किसी चीज़ के प्रति, किसी वस्तु के प्रति या किसी परिस्थिति में आपका व्यवहार कैसा है। लोग आपने अक्सर सुना होगा कि अरे ये इसका बड़े एटीट्यूड रहते हैं या बड़ा एटीट्यूड वाला है। यही देखना है दोस्तों, अभिवृत्ति मतलब व्यक्ति की उस विशेषता को इंगित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु, योग्यता, व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में अपनी सोच एवं विश्वास के पसंद या नापसंद के आधार पर व्यवहार करता है। किसी व्यक्ति अपने सोच के आधार पर, अपने व्यवहार सोच के आधार पर, पसंद नापसंद के आधार पर वो कैसा व्यवहार करता है, ये उसका एटीट्यूड कहलाता है, ठीक है। अभिवृत्ति का प्रयोग व्यापक रूप में किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार, परिस्थिति के प्रति उसकी भावना, उसकी प्रतिक्रिया, उसका व्यवहार जानने के लिए किया जाता है। एटीट्यूड का मतलब कि उसका व्यवहार कैसा है किसी चीज़ों के प्रति। वहीं अभिक्षमता का मतलब, जैसे मैंने बताया आपको, एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि उसकी अब तक की जानकारी कैसी है, उसकी क्षमता कितनी है, वो कितना सीखो चीज़ों को सीखा है, कितना जाना है, आगे कितना सीख सकता है, इसके बारे में निर्णय लेना, ये अभिक्षमता कहलाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की बात करें, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की बात करें, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आप देखेंगे सत्य और असत्य के बारे में पता लगाता है कि ट्रू और फॉल्स, ये क्या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। बहुविकल्पीय परीक्षा, ये भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। रिक्त स्थान भरना, ये भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मिलान मतलब ए बी के मिलान करना। साधारण प्रतिस्मरण परीक्षा मतलब पहचान अथवा प्रतीक्षा, जैसे होता है ना कि वो पहचान करना कि निम्न में से कौन सा है, किसी एक को छांटना, किसी एक को हटाना, ये वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑब्जेक्टिव परीक्षा के प्रकार अथवा वर्गीकरण है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार है। अब भाई क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व देख लेते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्या होता है। क्रियात्मक अनुसंधान तो समझ में आ गया ना कि किसी विद्यालय से संबंधित समस्याओं के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करके उसका हल निकालना। तो जब आप क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे तो क्या होगा? यही होगा दोस्तों कि विद्यालय के कार्यकर्ताओं और कार्यकौशलों का विकास होगा, ठीक है। विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार होगा। छात्रों तथा निरीक्षक प्रजातंत्र वास्तविक गुणों का विकास, विद्यालय के कार्यकर्ता शिक्षक निरीक्षक मतलब कार्य विद्यालय के हर एक गतिविधि में सुधार होगा। तो पढ़ाई में सुधार होगा, इन्वायरमेंट में सुधार होगा, शिक्षण विधि में सुधार होगा, संबंध अच्छा स्थापित होगा, ये सारे महत्व हैं। विद्यालय का कार्यप्रणाली प्रभावशाली बनेगा। विद्यालय की जो रूढ़िवादिता, पारंपरिक यांत्रिक जो कुछ अगर वातावरण है उसमें उसको समाप्त किया जाएगा, उसको व्यवहारिक बनाया जाएगा। तो विद्यालय की जो भी समस्या उसका वैज्ञानिक हल करेंगे, तो उसका ये महत्व है, ये लाभ है, ये क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व। फिर से दोबारा आ गया आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें क्या करते हैं, मानचित्र का मतलब मैप में, यू नो, ग्राफ में जो प्रदर्शित करते हैं उसी को आलेखीय निरूपण कहते हैं। तो आलेखीय निरूपण में क्या करते हैं दोस्तों, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि दोस्तों छोटी सी जगह में भी हम बड़े मानचित्र को लिख सकते हैं। आलेखीय निरूपण हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं इस चीज़ को। पृष्ठ पोषण की बात फिर से आ गई, फीडबैक की बात आ गई। फीडबैक में क्या होता है, हमें जानकारी प्राप्त होती है। पृष्ठ पोषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें छात्रों को उनकी कमियों, गलतियों तथा त्रुटियों से अवगत कराया जाता है, ठीक है। तो फीडबैक में क्या होता है, किसी छात्र की कमी, गलती जो भी हो उसको अवगत कराया जाता है ताकि छात्र उसमें सुधार सके, और साथ ही प्रक्रिया में छात्रों की अच्छी विशेषताएं, अच्छा कारण भी गुण। अब केवल कमी नहीं बताई जाती, अच्छाई बताई जाती है कि बाबू तुम यहाँ अच्छा कर रहे हो। तो जैसे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, बताते भी हैं कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए फीडबैक का काम करती है। तो चलिए, जैसे बात आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि प्लीज़ कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे,
मुझे बहुत फायदा होता है। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, पसंद आ रही हो तो। नहीं किए हैं लाइक तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरा शेयर करिएगा। मतलब क्या ही है, बच्चे नहीं जुड़ रहे तो, मतलब जितने जुड़ेंगे और फायदा होगा ना, मुझे अच्छा लगेगा। तो जरा शेयर करिए, लोगों को जोड़िए। लास्ट होने वाला है दोस्तों, 2018 का प्रश्न पत्र हम हल करेंगे। मापन मूल्यांकन आकलन फिर से आ गया, मापन मूल्यांकन आकलन। ठीक, मापन मतलब मात्रात्मक रूप देना, किसी की हाइट बताना, वेट बताना, ये मात्रा वो हो गया, मापन हो गया। आकलन का मतलब अंदाजा लगाना, मूल्यांकन का मतलब मूल्य निर्धारित करना। मात्रात्मक रूप में, परिमाणात्मक रूप में वर्णन करना मापन कहलाता है। एक बच्चा 70 से 75 अंक होने चाहिए, क्रियात्मक अनुसंधान मूल्यांकन का आकलन मापक से हो सकता है। मापने से आप उसकी आकलन कर सकते हैं, जैसे किसी कोई बच्चा 70 नंबर पाया तो आप उसके बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। सीखने के अनुभवों से बालक के व्यवहार के में क्या परिवर्तन हुए, उनका निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना, परीक्षण करना मूल्यांकन कहलाए। आसान से शब्दों में इसको इस तरीके से लिखिएगा कि परिमाणात्मक मान बताना, संख्याओं में मान बताना मापन कहलाता है, अंदाजा लगाना आकलन कहलाता है, और मापन की गई वस्तु की, मापन की गई गणना का मूल्य निर्धारित करना मूल्यांकन कहलाता है। चलिए, बहुत अच्छा, यहाँ तक बहुत अच्छा। मौखिक परीक्षा के गुण और दोष बता दीजिए, फिर इसके बाद वीडियो बहुत जल्द समाप्त होने वाली है, क्योंकि इसके भी ज्यादातर सवाल जो थे रिपीटेड थे। तो मौखिक परीक्षा के गुण और दोष क्या है भैया? मौखिक, किसी बच्चे को अगर आप वर्बली मतलब ऐसे टेस्ट नहीं लेते हैं पूछ के, तो इसका फायदा ये है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से जवाब दे सकता है, शिक्षक भी स्वतंत्र रूप से सवाल पूछ सकता है, उसमें कोई नकल उकल की बात नहीं है। तो मौखिक परीक्षा के गुण, मौखिक में समय और प्रश्नों में कोई पाबंदी नहीं होती, छात्र प्रश्नों का उत्तर सोच कर दे सकते हैं। मौखिक परीक्षा में अध्यापक छात्रों के मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति क्षमता और उनके आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी झलकता है कि बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है। मौखिक परीक्षा में छात्र आत्मविश्वास दिखाता है, और इसमें कुछ कमी हो तो आप सुधार सकते हैं कि थोड़ा सा मुड़, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आप बच्चा कहीं बीच में फंस गया, थोड़ा सा हिंट दे देंगे तो आगे बढ़ा लेगा। वहीं अगर लिखित परीक्षा है, बच्चा फंस गया तो बेचारा समय खराब कर रहा है। नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मौखिक परीक्षा उपयुक्त किया जाता है। मौखिक परीक्षा के दोष क्या है भैया? दोष ये है कि एक शिक्षक एक समय पर एक ही बच्चे का परीक्षा ले सकता है वर्बली मौखिक रूप से। मौखिक परीक्षा को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता, मौखिक परीक्षा में कई बार उनके विचार भी मैटर करते हैं। इन परीक्षाओं में विद्यार्थी को 3 भाषीय कौशल, सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। ये तो इसके फायदे हो गए। इन परीक्षाओं में विद्यार्थी के लेखन कौशल का मापन नहीं किया जा सकता कि कैसा बच्चा लिखता है, ये चीजें आप नहीं हासिल कर सकते। तो ये हो गए मौखिक परीक्षा के गुण दोष। संचयी आवृत्ति का मतलब समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए 0 से 10 नंबर पाने वाले 2 बच्चे हैं, 10 से 20 नंबर पाने वाले 4 बच्चे हैं, 20 से 30, तो ये हो गई इसकी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति मतलब जैसे 0 से 10 में 2 बच्चे हैं, तो 10 से 20 में अब तक कितने बच्चे आ गए इसके ऊपर, तो ये 0 से 20 तक तो 6 बच्चे, तो 2 को आपने 4 को जोड़ दिया जिसमें, तो 6 बन गया। फिर 5 को 6 में जोड़ देंगे तो 11 बन जाएगा। तो मतलब संचयी आवृत्ति का मतलब आवृत्ति किसी दी गई स्थिति या घटना घटित होने की संख्या है, और संचयी आवृत्ति वर्तमान आवृत्ति तक पिछले आवृत्तियों का योग है। तो इसको बस एक बार और समझ जाइए। जैसे आवृत्ति तो हमारा ये है कि 0 से 10 नंबर पाने वाले 2 बच्चे हैं, संचयी आवृत्ति का मतलब 10 से 20 यानी कि वर्तमान 20 तक अब तक कितने नंबर पाए, 20 तक, 0 से 20 तक कितने बच्चे होंगे, 4 यहाँ है 2 मतलब 6, तो इसको संचयी आवृत्ति कहते हैं। इसको समझिएगा और इस तरीके से लिखिएगा, या दूसरे शब्दों में किसी वर्ग या की संचयी आवृत्ति दिए गए वर्ग से पहले के सभी वर्गों की आवृत्तियों को जोड़कर गणना की जाने वाली आवृत्ति है। उदाहरण के लिए ये हो गई संचयी आवृत्ति के बारे में। सेमेस्टर प्रणाली के गुण हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन आइए फिर से देख लेते हैं। सेमेस्टर प्रणाली में छात्रों के ज्ञान की उचित संभव मतलब देखा जा सकता है कि बच्चा कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, सही समय पर उसका मूल्यांकन हो सकता है, फेल होने से बचाया जा सकता है। कोई बच्चा मान लीजिए इधर उधर भटक गया है तो उसको सही रास्ते पर लाया जा सकता है। वार्षिक परीक्षा में क्या होता है, बच्चे 6 महीने तो ऐसे ही रहते हैं, लास्ट के 3-4 महीने पढ़ लेते हैं। इन परीक्षाओं के आधार पर छात्रों के विषय संबंधी कठिनाइयों, कमजोरियों का निदान किया जा सकता है। परीक्षा फल के आधार पर शिक्षक अपने अध्यापन विधि की सफलता का भी आकलन कर सकता है कि मैं किस हद तक पढ़ा रहा हूँ, और शिक्षक परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों के क्षमता का पता लगाकर उन्हें उचित निर्देश दे सकता है। अगला सवाल है क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा, तो एक परिभाषा आपको लिख देना है। क्रियात्मक अनुसंधान में मैक ग्रेथेट के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है, जिसके उद्देश्य व्यक्ति के समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार या विकास लाना है। ये हुई बात क्रियात्मक अनुसंधान की। अब आइए, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है ना, तो अंततः बनाते बनाते अपना भी थोड़ा सा मेंटली मतलब कम समझ में आने लगता है, और चीज़ें तो अभी तक मैंने कोशिश करी कि मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, और आशा भी करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
देखिए, याद तो कोई नहीं कर पाएगा, चाहे आप हो चाहे हम या कोई भी, समझ गए होंगे। तो इस तरीके से अगर कुछ पूछेगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। विद्यालय की गतिविधियों में सांख्यिकी का क्या उपयोग है? तो उपस्थिति, जो भी आप अटेंडेंस होते हैं उसके आंकड़े रखना, विद्यार्थियों की संख्याओं के बारे में बताना, शिक्षक के कार्य बात, वेतन संबंधी रिकॉर्ड रखना, विद्यार्थी कक्षा पर निरूपण करना, ये सारी चीज़ें सांख्यिकी का इस्तेमाल है। और इसको हम कई बार सांख्यिकी को इसी वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो समाप्त होती है। एक अंततः रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, पूरे वीडियो में मैंने कोशिश करी कि आपको समझाऊं, आप भी यही कोशिश करिएगा कि समझिएगा, क्योंकि याद करके लिखना बहुत मुश्किल है। एग्जाम के सेंटर में बैठते ही आपने क्या याद किया है वो सारा भूल जाता है, लेकिन हाँ, जो समझ में आया है उस आधार पर आप लिख लेंगे। तो एक फीडबैक आप जरूर मुझे दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई नहीं आई, जो भी मेरी मेहनत है उसको सराहना करिएगा, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा और समझने की कोशिश करेगा। बाकी जो भी वीडियोस और आपके लिए महत्वपूर्ण है मैं बना दूंगा, मेरी खुशी होती है, मेरी इच्छा है कि मैं आपके लिए ऐसे बनाऊं। और थोड़ा सपोर्ट करेंगे आप, अपने दोस्तों को जोड़ेंगे इस चैनल पे, कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आप नहीं जुड़े तो आप भी इसको सब्सक्राइब करेगा। इस तरीके से साथ मिलकर हमें भी पढ़ना है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी समझना है, आपको भी सीखना है, आपको भी समझना है। तो इस तरीके से पिछले 5 सालों में जितने भी सवाल आपसे पूछे गए थे इस विषय में, पार्ट ए में, उसको हमने देखा। 2-3 ऐसे सवाल थे जो कि समझ नहीं आ रहे थे कि पूछता क्या है, तो उसको हमने स्किप किया है। हालांकि उसको विस्तृत में हम लोग देख लेंगे, तो इतना आपको परेशान नहीं होना। इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, आप परीक्षा देने जाएंगे तो इसी से संबंधित सवाल, बस आपको लिख के आ जाना है, नंबर की चिंता मत करिएगा। संबंधित जो भी चीज़ें आपको समझ, 1 नंबर के सवाल में क्या इतना परेशान होना, आप लिख के आ जाएंगे, अटैम्प्ट करके आ जाएंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन संबंधित लिखिएगा जो उससे संबंधित हो, ठीक है? तो इतना परेशान नहीं होते, खुश रहिए, हंसी खुशी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इतना टेंशन नहीं लेते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ याद नहीं हो पा रहा है, तो इतना टेंशन मत लीजिए, सबका यही हाल है। पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें याद कोई नहीं कर पाता, एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं कर पाएगा। हाँ, समझ गया ना, बस काम खत्म, कलम चल जाएगा, आप लिख लेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। नहीं जुड़े चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिएगा पसंद आई हो तो वीडियो, और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाकी कमेंट में मैं आपका इंतजार करूंगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।